अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पेंशन और ग्रेजुटी खत्म, सरकारी मुलाजिम पेंशन का हकदार नहीं होगा। वफाकी व तमाम सूबाई मुलाजमीन के लिए सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम मंजूर। रोनामा जंग के मुताबिक सूबाई सरकारी मुलाजिम पेंशन या ग्रेजुटी का हकदार नहीं होगा। सिंध काबीना का फैसला 15 सितंबर 2024। सिंध काबीना, सूबे में अब सरकारी मुलाजिम पेंशन या ग्रेजुटी का हकदार नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में हिस्सादार होगा। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल की सूरत में उनके खानदान को कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड से रकम फराहम की जाएगी। 5 घंटे से ज्यादा तवील सूबाई काबीना के इजलास के दौरान कई अहम फैसले किए गए। सिंध काबीना ने 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले सिंध डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम 2024 के निफाज की मंजूरी दे दी। यह स्कीम 1 जुलाई 2024 से शुरू होगी और हुकूमत और मुलाजमीन दोनों आर्थिक तौर पर बिलतरतीब 12% और 10% की शरह से अपना हिस्सा डालेंगे। यानी सरकारी मुलाजिम तनख्वाह का 10% और हुकूमत तनख्वाह का 12% पेंशन कंट्रीब्यूटरी फंड में डालेगी। काबीना ने सिंध सिविल सर्वेंट 1973 के सेक्शन 20 में सब सेक्शन 4 के बाद नई जेली शिक 5 शामिल कर दी। यानी सरकारी मुलाजिम तनख्वाह का 10% और हुकूमत तनख्वाह का 12% पेंशन कंट्रीब्यूटरी फंड में डालेगी। काबीना ने सिंध सिविल सर्वेंट 1973 के सेक्शन 20 में सब सेक्शन 4 के बाद नई जेली शिक 5 करने की मंजूरी दे दी है। मुजवदा तरमीम के मुताबिक कोई भी मुकर्रर या रेगुलराइज सरकारी मुलाजिम को सिंध सिविल सर्वेंट की तरमीम शुदा एक्ट 2024 के मुताबिक सरकारी मुलाजिम तसव्वुर किया जाएगा, मगर वो पेंशन या ग्रेजुटी का हकदार नहीं होगा। याद रहे, तरमीम शुदा एक्ट 2024 के मुताबिक सरकारी मुलाजिम तसव्वुर किया जाएगा, मगर वो पेंशन या ग्रेजुटी का हकदार नहीं होगा। इसके बजाय वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में हिस्सादार होंगे। पेंशन और ग्रेजुटी के बजाय सरकारी मुलाजिम हुकूमत की जानिब से दी गई रकम वसूल करने का हकदार होगा। हुकूमती फंड उनके अकाउंट में शामिल किया जाएगा। सरकारी मुलाजिम के निकाल की सूरत में उनके खानदान को कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड से रकम फराहम की जाएगी। काबीना ने सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में मुजवदा तरमीम को सूबाई असेंबली में पेश करने की इजाजत दे दी।